दो। मैं नासिर कियानी साहब ने भी शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने कोशिशों नाल इतने यूटिलिटी स्टोर ना आगाज होया जिस नाल असी इफ्तिताह किया। मैं अंदर पूछया भी तो अंदर तकिया भी सारिया बुनियादी जरूरियात ते जिंदगी इतने मौजूद हैं। आटा चीनी दालां घ्यो यह तो सबसिडाइज कीमत जिस तरह बाजार में चीनी 100-110 रुपए वे तो 68-70 रुपए वे जिस तरह बाजार जो आटा 1000-1100-1200 रुपए नहीं 20 किलो नहीं गुत्थी है इतने 800 रुपए ने। हुकूमत खसूसी तौर पर एक आम आदमी तो गरीब आदमी आ यूटिलिटी स्टोर वास्ते इतों सपोर्ट की वजे सस्तिया अशियाए जरूरियत जरूरत इतों मुहैया हो 50 अरब रुपए नहीं सबसिडी दे रहे। सिर्फ इतने मैं हम अंदर भी यही गल की सारे दोस्तों के भी यही रिक्वेस्ट की है कि ये वेखना है कि कद चीनी आ रही है तो चीनी दुकानदार न खड़न आटा आ रहा तो आटा दुकानदार न खड़न मिल मिला के एक आम आदमी गरीब आदमी हकदार आदमी उसनी सहूलत वास्ते चीज़ की गई है तो उस फायदा पहुँचना चाहिए। तो इस निगरानी भी असा सारे करनी है कि गलत ना हो सिर्फ असा मकसद ये है कि गलत ना हो और हकदार तक उस नाक पहुँचे मुस्तैक तक उस नाक पहुँचे गरीब आदमी तक उस नाक पहुँचे क्योंकि इस वेले सब तो बड़ा चैलेंज जड़ा साड़ी हुकूमत वास्ते वो महंगाई है। तो महंगाई तो इसी तरीके कंट्रोल किया जा सकता है कि अशियाए खुर्द नोश यूटिलिटी स्टोर से भी मुहैया हो तो हम हुकूमती ये भी हदायत कि हर दुकानदार आम दुकानदार वो सब्जी वाले फ्रूट वाले वो जनरल स्टोर वाले वो भी हुकूमत जी कीमत ना तयन कर सी उसनी फरिस्त भी अवेदा कर सी और किनने वाले ना भी हर खरीदार ने भी ये फरायज से शामिल है कि उस दुकान तो सौदा लेवे कि जिथे लिस्ट लगी हो और उसका पता भी हो खरीदारा भी ये पता होना चाहिए कि आटे ना ये रेट है चीनी ना ये रेट है टमाटर ना ये रेट है प्याज ना ये रेट है। असी लोग तकरार भी ना करने असी लोग पूछने भी ना जो कोई रेट मंगे औखा देइए या सौखा देइए दे के दे शह चा किन्ने लेकिन गल ना करने उस भी अपनी तो मैं बाजार मिलना मसलन मैं मिसाल दे के दसना कि मैं कट मिलना बाजार किधरे कार आके जी कितने इस्लामाबाद ब्लू एरिए डबल रोटी किन्ना है रस किन्ना है उत्थे तहजीब बेकरी से चला गया अज की दीप बे तहजीब बेकरी तो डबल रोटी से कि 100 रुपए नहीं मिली महीने बाद फिर मां आख्या कितने आने डबल रोटी किन्ना हो फिर मैं चला गया तहजीब बेकरी से पूछा जी कितने नहीं है डबल रोटी उन्हें आके 150 नहीं मैं आके अरे पिछले महीने में 100 नहीं खड़ी 150 रुपए कीड़ी आग लग गई। खान साहब जिंदाबाद। खान साहब कोई पूछण पालणा दा नहीं होना मैं तकिया कि लोग मड़े मुंह मुंह तक ने तहजीब वाले मड़िए मैं तक कर रहे जी तुसी जे जाके तुसी कट चा दो मैं क्या तू बधाए क्यों तो पूछना चाहिए दुकानदार तबका अल्लाह खुश रखे ना असा बेचन लेकिन हथ बुक पा रहा है ना इतनी शह महंगी नहीं होनी जितनी महंगी बेचने मर्जी ने रेट लाने तो यह ज्यादा महंगाई दुकानदार भरावान भी कुछ की आड़ती भरा जो तो आराम न रजने भी नहीं आखने ना असं पैदा ही आड़ती आखने ना असं पैदा ही आराम खाने वास्ते हो अगर असी लाल खाइए तो राजा साहब आखने ना तद लाल खाव तो आराम ने असं तो पैदा ही आराम वास्ते हो आड़ती नहीं जितनी मुनाफा गिरी जितनी जखीरा अंदोजी जितनी महंगाई आड़ती ऐसे सही शैतान ना रोल अदा कर रहे आड़ती तो दुकानदार भरावान भी अल्लाह ताला दया दे हाँ ये मुनाफा जरूर रखन जायज रख इतना ज्यादा इजाफा ना करन तो लोगों दशकलात भी इजाफा ना कर तो बस मेरी यही गुजारिशात मेहरबानी राज साहब।